गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेज पूनम फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरा थल, सब्जेक्ट मैथ। आज हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक है हमारा? टुडेज टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो स्मॉल नंबर होता है वो पहले आता है। कौन सा नंबर आता है? छोटा नंबर सबसे पहले आता है ना। ये क्या है? नंबर लाइन है। ये देखो, ये क्या है? टू, टू एंड फाइव, है ना। कौन सा नंबर है? टू एंड फाइव। तो यह नंबर लाइन पे टू कहाँ है देखो बच्चों, ये रहा टू और ये रहा फाइव। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? असेंडिंग में जो जो नंबर पहले आता है वो स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। तो देखो, टू में और फाइव में पहले कौन सा नंबर आया है? टू आया है ना, तो पहले टू राइट करेंगे। बाद में कौन सा आया? फाइव, तो फाइव बाद में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारे पास? ये देखो, सेवन, टू, ठीक है। तो लाइन पे देखो सेवन कहाँ है? ये रहा, ठीक है, और ये टू यहाँ रहा। अब इनमें पहले नंबर कौन सा है? टू में और सेवन में पहले कौन सा है नंबर लाइन पे? टू आया है, तो पहले टू राइट करेंगे, फिर बाद में सेवन, तो सेवन राइट करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मॉल नंबर से लेके पहले स्मॉल नंबर, स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं। कैसे? छोटे से लेके बड़े की तरफ चलते हैं ना, स्मॉल नंबर से लेके बिग की ओर, है ना। अब कुछ एग्जांपल और देखेंगे। थ्री, वन, फाइव एंड थ्री। ये देखो, वन फाइव थ्री, तो लाइन में देखो वन, ये रहा वन नंबर, ये फाइव नंबर और ये थ्री, है ना। तो इन तीनों में से नंबर लाइन पर सबसे पहले कौन सा नंबर आया है? वन आया। कौन सा आया? तो हम वन राइट करेंगे, पहले वन राइट करेंगे। नेक्स्ट फाइव और थ्री, ये रहा फाइव और ये थ्री। फाइव और थ्री में से पहले कौन सा आया है? थ्री, थ्री राइट करेंगे, और बाद में लास्ट में फाइव। तो कैसे, क्या है, कैसे लिखा है बच्चों हमने? पहले छोटा नंबर वन, फिर उससे बड़ा थ्री, फिर नेक्स्ट लास्ट में फाइव। तो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हम लोग, है ना, स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। एक एग्जांपल और देखेंगे। ये देखो, फोर, एट एंड सिक्स। ये रहा फोर हमारा, ये एट एंड ये रहा सिक्स, है ना। तो फोर, एट, सिक्स, तो पहला कौन सा नंबर आया देखो लाइन पे? फोर, एट, सिक्स में पहले फोर आया है, तो फोर राइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है फोर के बाद सिक्स, और एट सबसे लास्ट में आया है, तो एट लास्ट में लिखेंगे। तो ये देखो, फोर, एट, सिक्स में से कैसे अरेंज किया? फोर, सिक्स, एट। तो जो स्मॉल नंबर है वो पहले राइट करने हैं हमको, है ना। तो क्या देखा हमने आज बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर, बिग से, स्मॉल से लेके बिग की तरफ जाना है ना। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।